के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंगल सिंह आईपी ने देश के अधिकांश सक्षम लोगों एवं सक्षम सिस्टम को सही दिशा में कार्य न करने व एक दूसरे सक्षम सिस्टम की कमियों को छिपाकर देश की जनता और देश को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जहां आज हमारे देश के अंदर कोविड-19 महामारी से कैबिनेट स्तर के मंत्री अपनी जान गंवा रहे हैं व केंद्रीय गृह मंत्री व मुख्यमंत्री स्तर के लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, तो वहीं देश एवं प्रदेश के जिम्मेदार लोग घायल प्रदेश एवं देश व्यापी की सहायता करने की बजाय मंदिर कार्यक्रमों में स्वयं व पुलिस प्रशासन को व्यस्त कर जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने देश के उच्च शिक्षित एवं देश हित में सोच रखने वाले देशवासियों से जातिवाद धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर देश व समाज हित में गैर राजनीतिक व एक विशेष कार्य योजना के साथ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग के साथ मिलकर कार्य करने व देश के वर्तमान भ्रष्ट व निष्क्रिय सिस्टम को समाप्त कर एक नए आधुनिक सिस्टम को बनवाने में मिलकर काम करने को कहा। साथियों, हमारे देश के अधिकांश सक्षम लोग मिलकर पूरे देश व पूरे देश की जनता को लूटने व बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, जिसमें चाहे सक्षम फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों, सक्षम व्यापारी हों, या सक्षम राजनीतिक हों, या सक्षम जांच एजेंसियां हों, जो भी हमारे देश का सक्षम व्यक्ति है, वो सब आपस में मिलकर एक सक्षम दूसरे सक्षम लोगों की कमियों को छिपाए, दूसरा सक्षम व्यक्ति दूसरे सक्षम व्यक्तियों की कमियों को छिपाकर पूरी देश और जनता को इस तरह से लूट रहे हैं कि आज देश की जनता त्रह त्रह कर ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग ने एक विशेष कार्य योजना बनाई है, जिसमें अब सभी देशवासियों को, यदि आप चाहते हैं कि हमारे देश की जनता इस तरह से त्रह त्रह से निकल के बाहर आए, तो जो देश के सक्षम समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, वो भले ही पैसे में सक्षम नहीं हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोगों को ऑपरेशन विजय, जो जाति और धर्म के भेदभाव को बिल्कुल मिटाकर पूरे देश की जनता को एक साथ लेकर एक ऐसी कार्ययोजना पे काम कर रहा है, जो इन चाहे वो राजनीतिक फील्ड हो, चाहे वो व्यापारिक फील्ड हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री का फील्ड हो, चाहे वो मेडिकल का फील्ड हो, जिनमें जो माफिया बैठे हुए हैं, उनको सबको, उनके पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर एक नए सिस्टम को बनाने के लिए कार्य कर रही है, उसमें सारे लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर अपने इस जो वर्तमान व माफियागिरी अपने बाप की बपौती समझने वाले सिस्टम को बनाए हुए हैं, इनको सबको ध्वस्त करना होगा, तभी जा करके हमारे देश की जनता जो इस समय त्राह त्राह कर रही है, जनता की इज्जत भी लूट रही है, पैसा भी लूट रहा है, जान भी जा रही है, और इन लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा आज सभी देशवासियों से अनुरोध है कि वर्तमान के सारे माफिया सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए गैर राजनीतिक अभियान ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग का आप सभी समझदार व पढ़े लिखे लोगों को आगे आकर साथ देना होगा, और इस जो सक्षम लोगों द्वारा जाति और धर्म के नाम पर हमारे समाज को बांटकर जो समाज को बर्बाद करने और अपना उल्लू सीधा करने का कार्य किया जा रहा है, इनको सबको बेनकाब करना।